सीधा आदि जो दिक्कत होगा सो खुद करेंगे, लेकिन हमको क्या करें, अपने ही बच्चा बन गया, आशा टूट गई। तो घर चुका ये सब हॉस्पिटल पहुंच गया, तो इसी तरह से सुना कि नहीं फुलकुमारी का पैर कट गया, तो को किसने काटा, तो सुमन कुमार ने काट दिया। तो हम सुनकर अबाक हो गए, क्या कहें क्या बोलें, ये अपना अपना भाई है, अपना रिश्ता अपन अपना है, 12 दिन का छुटका मानते हैं, और इस तरह से घटना कर दिया, कितना दाग लगा दिया। ये दादा है लड़की के, अपनी ही पोती की बातें करते हुए इनकी आंखें भर गई, इनकी आंखों में आंसू आ गई, जब वही पोती के खिला के बड़ा किए, और वही पोती का जब दोनों पैर कटा अपाहिज हो गई, जो इनको देख रहे हैं कि इनकी स्थिति भी बहुत खराब है इनकी घर की। आज जब ये बताइए, जो घटना जब हुआ था दादा, तो हॉस्पिटल में कौन कौन से लोग पहुंचे थे? इनके पापा मम्मी और एक ठो यहाँ चचेरा भाई है, ये तीन ठो, और कोई ये रास्ता में होगा तो भाई बेटा। हाँ कुमारी के मामा जी मौसी का बेटा साथ पहुंचल है हॉस्पिटल। अरे फूल कुमार तुम रो मत, जैसे जिस तरह से तुम लोग के सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे भावुक होके इनके दादाजी भी रो रहे हैं, अभी फूल कुमारी की आंखों में आंसू आ गई, अब फूल कुमारी भी रो रही है। इनकी गलती की प्रायश्चित हो चुकी है कि मैंने ये गलती की वजह से हमारे पूरे घर की इतनी बदनामी या इतने जो भी है वह इनके घर वाले की जो स्थिति देख रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू आ चुकी है। ये गलती अपना मतलब जैसे कि जानते कि हमारे साथ इस तरह प्रहार करते, तो ये गलती करने वाली बच्ची नहीं थी, जो कि हम इन्हीं के भरोसा छोड़ के रांची में थे, यही बच्ची के भरोसा छोड़ के। लेकिन ये बच्ची मेरा खराब नहीं थे, जो कि वह दरिंदे ने आके मौका का फायदा उठा के वे इस तरह किया है, नहीं तो अभी हम सामने हैं, वो आवे और क्या करना है उसको करो। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ नहीं थे, बच्ची को लेकर रांची में थे, इसलिए गलत जो भी किए हैं वो समय के मुताबिक वो अपना फायदा उठाए हैं। लाचार बच्ची क्या करते। दादा जी जो दिक्कत होगा सो खुद करेंगे, लेकिन हमको क्या करें, अपने ही बच्चा बन गया, आशा टूट गई। ये लड़की थी पुलिस में जाना चाहती थी क्या दादा? ये सही है ना, हाँ पुलिस में लड़की जाना चाहती है, बट सारे सपना चूर हो गए। अब कैसे बनेगी ये पुलिस? सब सपना खत्म हो गया। दादा का सपना था कि मेरी पोती नाम करेगी, मेरे को हम लोग का गरीबी दूर हो जाएगा, वही हमारी बेटी अगर इसी पढ़ाई लिखाई करके अच्छा खासा अगर कोई पोस्ट पे आ जाती है तो हम लोग के जो भी तकलीफें हैं दूर हो जाएगा। इस गरीबी स्थल पे रह के अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए, कुछ कर पाए, बट सारे सपना चूर हो गए। सब सपना चूर हो गया सर। अब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, ना आप लोग को प्रार्थना करते हैं कि गरीब को किस तरह कहाँ करते हैं, हमारे सामने आकर कुछ जो दया हो आकर देखिए।